नमस्कार सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल जगरूप सिंह ज्योग्राफी में। आज हम कक्षा 12 की NCERT में उसके अंतिम बिंदु भारत में कृषि का विकास और उसकी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। तो आजादी से पहले और आजादी के लगभग चौथी पंचवर्षीय योजना तक, जब से उद्योगों में पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई, उसमें उतना विकास नहीं किया गया, तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार थी और भारत में कृषि के लिए दो बड़े कारण जो रहे वो एक सूखा और बाढ़, जो कि निरंतर अभी भी वर्तमान भारतीय कृषि की एक बड़ी समस्याओं में से एक है। कृषि का विकास चौथी पंचवर्षीय योजना तक, जब 1960 के दशक में अकाल व सूखा पड़ा तो भारत में कृषि अत्यधिक निम्न स्तर पर आई और हमें खदानों को बाहर से आयात करना पड़ा। कुछ आजादी के बाद के अंदर भारत के विभाजन के समय हमारा ज्यादातर कृषि एरिया, लगभग 33% एरिया पाकिस्तान चला गया। तो आज उसी दो बिंदुओं पर बात करेंगे, कृषि के विकास में हरित क्रांति का क्या योगदान है और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किस प्रकार गहन जिला कृषि विकास कार्यक्रम के माध्यम से भारत में कृषि के विकास को सहयोग दिया गया। तो आज भारत में कृषि का विकास और उसकी समस्या, पहले हम डेवलपमेंट पर बात करेंगे, क्या प्रमुख बिंदु है भारत में कृषि के विकास के। तो भारत में कृषि का विकास, तो हमारी अर्थव्यवस्था या भारत की अब भी 66% आबादी का प्रत्यक्ष रोजगार कृषि ही है। तो इसके लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं चलाई, उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो भारत में कृषि का विकास, तो पहली बात तो ये कि ये हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है, हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है कृषि। और इसके विकास के क्या क्या चरण रहे, उन सब पर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो कृषि के विकास में जो हमारे लिए समस्या आई वो था देश का विभाजन, और देश के विभाजन के समय भारत का 33% सिंचित कृषि एरिया, 33% सिंचित कृषि एरिया पाकिस्तान चला गया, जो कि एक बड़ी समस्या रही भारत के लिए। इसके बाद में जो विभाजन हुआ उसके बाद में भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद चार बड़े बिंदुओं पर ध्यान दिया, तो खाद्यान्नों की समस्या उत्पन्न हुई। तो भारत ने सबसे पहले क्या बात की कि खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनने के लिए, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्न उत्पादन को महत्व दिया। तो पहला बिंदु था व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्न फसलें बोई जाए। दूसरे बिंदु था कृषि की गहनता को बढ़ाया जाए। हम शस्य गहनता या कृषि गहनता या फसल गहनता पर बात करते हैं, यानी एक ही जगह से अधिक उत्पादन लिया जाए, कृषि गहनता को बढ़ावा दिया जाए। तीसरा बिंदु सरकार ने क्या यूज किया इसके लिए कि जो बंजर भूमि थी या जो भूमि खाली छोड़ी गई थी उस पर विकास योजनाओं के माध्यम से कृषि की गई। तो तीसरा बिंदु बंजर व प्रति भूमि को, बंजर व प्रति भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदला जाए, कृषि योग्य भूमि में बदला जाए, यह एक मेन बिंदु रहा। तो पहले व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्नों को बोया जाए, गहनता को बढ़ाया जाए और बंजर भूमि की जगह कृषि भूमि योग्य में इसे बदला जाए। इसके बाद में सरकार ने क्या किया, इसी में चौथे पॉइंट में हम बात करते हैं 1950 के दशक की। तो हम आजादी से लेकर चल रहे हैं विभाजन से लेकर, तो विभाजन में जब एरिया पाकिस्तान चला गया तो खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनने के लिए या कृषि के विकास के लिए सरकार ने चार बड़े बिंदुओं पर ध्यान दिया। पहला हमने बात की कि व्यापारी की जगह खाद्यान्न फसलें, कृषि गहनता को बढ़ाया जाए और बंजर में प्रति भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदला जाए। 1950 के दशक में सरकार ने दो बड़े कार्यक्रम चलाए, क्योंकि जब उत्पादन स्थिर हो गया, क्योंकि उत्पादन को
शुरू शुरू में उत्पादन बढ़ा, उसके बाद में प्रोडक्शन जो है वो स्टेबल होगी। इसके लिए सरकार ने दो प्रोग्राम चलाए। पहला प्रोग्राम था IADP, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, इंटेंस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम या डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, और दूसरा था गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP, गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। तो इन चार बिंदुओं पर सरकार ने बड़ा ध्यान दिया। व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्न को, फिर कृषि गहनता को बढ़ाया गया, बंजर भूमि की जगह योग्य कृषि भूमि में बदला गया इसे, और 50 के दशक में उत्पादन जब स्थिर हो गया तो सरकार ने IADP और IAAP दो बड़े प्रोग्राम जो है वो चलाए। आगे बात करते हैं, 1960 जब 1967 में हरित क्रांति आई तो भारत सरकार ने दो बड़े फसलों पर ध्यान दिया, जिसमें एक तो गेहूं की किस्म थी जो कहां से आयात की गई, फिलीपींस से, और एक किस्म थी चावल की जो कहां से आयात की गई थी, मेक्सिको से, सॉरी गेहूं मेक्सिको से, चावल फिलीपींस से। ध्यान रखेंगे गेहूं मेक्सिको से और चावल जो है वो फिलीपींस से, गेहूं मेक्सिको की किस्म मैक्सिकन गेहूं, और फिलीपींस से चावल की जो HY किस्में हैं वो लागू की गई। अब इसका मेन बिंदु क्या रहा, जब हरित क्रांति भारत में लागू हुई तो उत्तर प्रदेश यानी पश्चिमी यूपी, पंजाब और हरियाणा में इसे बड़ी सफलता मिली। दक्षिण में जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को इसमें बड़ी सफलता मिली, परंतु बाकी जगह पर हरित क्रांति को उतनी सफलता न मिलने के कारण भारत में कृषि के अंदर क्या असमानता उत्पन्न होने लगी, जिसको कि प्रादेशिक असमानता का नाम दिया गया। अब असमानता का मतलब पंजाब हरियाणा में फसल के रेट ऊंचे और यहां नीचे, यानी इससे प्रदेशों के अंदर फसल के अंदर या कृषि के अंदर असमानता बढ़ने लगी। बाद में इसे पूर्वी और मध्य भारत में लागू किया गया, जिस कारण पूरे भारत में कृषि का स्वरूप एक जैसा हुआ। तो हरित क्रांति कई कारणों से अच्छी भी रही कि हमने गेहूं के में 238% उत्पादन बढ़ाया, चावल में 220% उत्पादन बढ़ाया, कुछ क्या था, इन नई किस्मों की कीट प्रतिरोधकता कम थी, यानी वो जीवों से इतना लड़ नहीं पाती थी, इसलिए भारत में खाद्य उर्वरक और कीटनाशकों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। तो कृषि के विकास के लिए जब हरित क्रांति, जब गेहूं की फसल मेक्सिको और फिलीपींस चावल से भारत में आयात करने के बाद पश्चिमी यूपी, पंजाब और हरियाणा के अंदर इसकी सफलता हुई और बाकी जगह इतनी ये अच्छी नहीं रही, तो प्रादेशिक असमानता के बाद इसे पूर्वी और मध्य भारत में भी लागू किया गया। तो ये भारत में कुछ कृषि का विकास। इसके बाद में जब ये पूरा प्रोग्राम जो भारत में कृषि की मेन समस्या को उभरने के लिए योजना आयोग ने वर्षाधारित कृषि पर ध्यान देना शुरू किया, यानी वर्षाधारित कृषि की समस्याएं क्या है। इसके बाद में उन्होंने भारत को 15 बड़े कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया, जिसके बाद में योजना आयोग ने भारत के 15 प्रदेश बताए हैं। इसको लेकर फिर भारत सरकार ने अपना एक नया कार्यक्रम जो है वो प्रस्तुत किया। ये कुछ प्रकार से भारत में कृषि का विकास रहा, जो कि एक महत्वपूर्ण बिंदु भी रहा भारत के अंदर विकास के लिए। इसके बाद में 1990 के दशक में उदारीकरण की नीति ने भी कृषि को सहयोग दिया, उदारीकरण की नीति ने भी कृषि को सहयोग दिया। ये हमारे पहले बिंदु थे, भारत में कृषि का विकास किस प्रकार से रहा आजादी से लेकर वर्तमान तक का। अब कृषि की समस्याओं पर बात करते हैं। कुछ जरा बदले विभाजन के समय एरिया यहां चला गया, अर्थव्यवस्था का मूलधार है, चार बिंदुओं पर ध्यान दिया गया, दो कार्यक्रम चलाए गए, फिर हरित क्रांति को चलाया गया, फिर वर्षाधारित पर ध्यान दिया गया जिसमें कि योजना आयोग ने सहयोग किया, और फिर उदारीकरण की नीति ने भी कृषि में सहयोग किया। तो भारत में कृषि का डेवलपमेंट कुछ इस प्रकार से चला है। अब हम बात करते हैं अन्य जो बिंदु एक और है, भारतीय कृषि की समस्याएं क्या रही, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी भारतीय कृषि को, और सामान्य तौर पर भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, और हमारे देश में 33% एरिया ही सिंचित होने के कारण
बाकी सभी एरियो में कृषि जो है वो मानसून पर निर्भर रहती है। तो कृषि की हम प्रमुख जो 5 से 6 समस्याएं हैं उन पर बात करते हैं। पहली समस्या है अनियमित मानसून पर निर्भरता। पहले सभी बिंदुओं को देख लेंगे। अनियमित मानसून पर निर्भरता, दूसरा बिंदु है निम्न उत्पादकता, दूसरा बिंदु है निम्न उत्पादकता, तीसरा बिंदु है वित्तीय समस्याएं, तीसरा बिंदु है वित्तीय समस्याएं भारत के अंदर कृषि की। इसको आप दो प्रकार से बांट सकते हैं, ऋणग्रस्तता इसमें एक मेन बिंदु है, यानी जो छोटे किसान है वो कर्जे के अंदर जो है वो दबे हुए हैं। इसके बाद में भारत में भूमि सुधारों की कमी है, यानी चकबंदी जो कार्यक्रम है परिवार के बंटवारे के समय भूमि का बंटवारा जो होता है खेतों का, उससे खेतों का आकार छोटा होता जाता है और खेतों के आकार इतना छोटा होने से वहां चकबंदी जो है वो आवश्यक हो जाती है। तो भूमि सुधारों में भी कमी है भारत के अंदर कृषि को लेकर। कई राज्यों में चकबंदी का एक चरण पूरा हो चुका है, उसका दूसरा चरण स्टार्ट नहीं हो रहा, तो काफी लंबी चौड़ी समस्याएं। उसके बाद में छोटे खेत और विखंडित जोत, ये इसी के अंदर आएगा, छोटे खेत है विखंडित जोत, यानी खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है। उसके बाद में पांचवा जो बिंदु है वो है कृषि में वाणिज्यकरण का अभाव, कृषि में वाणिज्यकरण का अभाव। इसके बाद में बात करते हैं अगला जो बिंदु है, भारत में व्यापक बेरोजगारी, और अंतिम बिंदु है कृषि भूमि का निम्नीकरण। उत्पादकता कम हो रही है कृषि भूमि की, ये 8 जो बिंदु है भारतीय कृषि को लेकर। पहला, हमारी कृषि जो है वो मानसून पर निर्भर है। दूसरा, कृषि की उत्पादकता निम्न है। तीसरा, ऋण से ग्रस्त है छोटे किसान, भूमि सुधारों में कमी है, छोटे खेत और खेत विखंडित हो रहे हैं, वाणिज्यकरण का अभाव है, व्यापक बेरोजगारी है और कृषि भूमि का निम्नीकरण है। हमसे पेपर में बहुत बार एनसीईआरटी 12वीं में कोई भी 3 या 4 भारतीय समस्या है, 2 भारतीय कृषि की समस्या लिखी है, तो आपको इनमें से कोई 2 बिंदु लिखने होंगे। अब हम इन पर डिटेल से बात करते हैं। पहला है भारत का कृषि पर निर्भर, मैंने अभी बात की कि भारत का 33% एरिया ही सिंचित है, यानी बाकी का सभी कृषि जो है वो किस पर निर्भर है, मानसून पर। और दूसरी बात, भारत में मानसून अनियमित है, कभी जल्दी आ जाता है कभी देरी से आ जाता है। ऊपर से अकाल व सूखा, भारतीय कृषि की अकाल सूखा और बाढ़, हमारा लगभग ज्यादातर एरिया इस प्रॉब्लम से ग्रसित है। और कई बार तो ऐसा हुआ सूखे के एरिया में भी बाढ़ आ गई, गुजरात राजस्थान के अंदर 2004 में 2007 में इस प्रकार की बाढ़ें देखी गई हैं, जिससे कि अत्यधिक समस्याओं को फेस करना पड़ा है। तो अकाल सूखा और बाढ़ भारत की वैसे ही है। अच्छा, 2006 और 2017 याद रखेंगे, 2006 और 2017 में बाढ़ के समय में भारतीय कृषि में ये समस्याएं जो है वो बनी रही है। इसके अलावा निम्न उत्पादकता, भारत में अगर आप चावल गेहूं और तिलहन को देखें, चावल गेहूं और तिलहन, इनकी जो उत्पादकता है वो मेक्सिको और जापान और अमेरिका की तुलना में अत्यधिक कम है, इनकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम है। क्योंकि एक तो हमारी कृषि, हमारे भारत में कृषि पर जनसंख्या का दबाव अत्यधिक है, जिससे कि अतिरिक्त समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। इसके अलावा
भारत में अगर आप निम्न उत्पादकता डिग्री देखें तो इसके लिए श्रम भी, श्रम उत्पादकता भी निम्न है, इतना लेबर मिल नहीं पाता। ये तो अब आप इसी के साथ ही वाणिज्यकरण का भाव देखेंगे। भारतीय कृषि में तकनीक और व्यापार संबंधित समस्याओं की भी कमी है। व्यापार संबंधित समस्याओं की भी जो है वो कमी है। फिर मैंने बात की कि आधुनिक कृषि में इतने अधिक पैसा लगता है कि छोटे किसान जो है वो वित्तीय समस्याओं या ऋण से ग्रस्त है। फिर उनकी उनका जो ये ऋण ग्रस्तता का काम है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। व्यापक बेरोजगारी है कृषि में, कृषि में लगभग 4 से 8 महीने आपके पास पैसा नहीं होता, क्योंकि उस समय फसल खेत में होती है और आप उसी के माध्यम से व्यापार करते हैं। इसलिए भारतीय कृषि में इसको मौसमी बेरोजगारी का नाम दिया गया है। यानी आपने फसल बोई, फिर फसल काटी, जब आप फसल व्यापार के लिए जाते हैं तब उस समय आपके हाथ में पैसा आता है, फिर 3 महीने आपके पास कोई भी पैसे का साधन नहीं है। यानी कृषि पर बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक बनी हुई है भारत के अंदर। इसी प्रकार इसको आप मौसमी बेरोजगारी का नाम दे सकती हैं, मौसमी या अल्प बेरोजगारी। मौसमी या अल्प बेरोजगारी का नाम दे सकते हैं। फिर मैंने बात की कि भारत में भूमि सुधारों में कमी की आवश्यकता है। भारत में ब्रिटिश के समय से यह समस्या चलती आ रही है। आप रेतवाड़ी, मालवाड़ी और जमींदार प्रथा को, मालवाड़ी और जमींदार प्रथा से जो कि अभी भी भारतीय कृषि की समस्याओं से ग्रसित है, एक ये समस्या भी भारतीय कृषि में चल रही है। इसके अलावा मैंने कहा खेतों का कार परिवार के बंटवारे के साथ छोटा होता जा रहा है, चकबंदी की आवश्यकता है, चकबंदी की आवश्यकता है भारतीय कृषि को पुनः, यानी खेतों को वापस से समाहित किया जा सके। और भारत में आप मानोगे तो 60% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम खेत है और 40% के पास तो 0.5 हेक्टेयर से भी कम खेत है। तो खेतों का आकार अत्यधिक छोटा है भारत के अंदर। इसके लिए खेतों को समाहित या चकबंदी का जो कार्यक्रम है वो सरकार चलवा रही है। अंतिम बिंदु कृषि भूमि का निम्नीकरण, अत्यधिक प्रकार के कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग करने से कृषि की उत्पादकता कम होती जा रही है, भूमि की उत्पादकता जो है वो कम होती जा रही है, जिसके लिए अत्यधिक प्रकार की समस्याओं से किसान जो है वो ग्रसित है। इस समस्या के समाधान के लिए भी सरकार को जो है कुछ कदम उठाने चाहिए। ये कुछ 2 या 7 आपकी छोटी मोटी भारतीय कृषि की समस्याएं थी। सामान्य तौर पर बड़ा प्रश्न 3 नंबर का भी आ सकता है और मार्केट चले तो 1 या 2 नंबर का प्रश्न जो है कोई 2 समस्याओं के बिंदु का नाम लिखिए तो आपको लिखने पड़ सकते हैं। ये हमारा कृषि का चैप्टर था, वो काफी लंबा चला है, लगभग 11 वीडियोस बनी है पूरे कृषि के चैप्टर पर। और एक एक फसल, एक एक बिंदु, सघन कृषि विकास जिला कार्यक्रम, साझा संपत्ति संसाधन, सभी फसलों पर हमने एक एक बिंदुओं पर डिटेल से बात की है। अगली कक्षा में हमारे 2 जो चैप्टर है, एक खनिज और एक उद्योग, उन पर चर्चा शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।